सॉस लगाइएगा उसमें, ऐसे खाइएगा, ऐसे गर्म हो गया। बहुत मजा आ रहा है। तो ये अचार मसाला डाल दिया। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, कर ही लेते हैं नए ब्लॉग की स्टार्टिंग एक नई दिनचर्या के साथ। तो मेरे आज का ब्लॉग हो रहा शुरू इस कमरे से, क्योंकि आज मुझे करनी है इस कमरे की सफाई। थोड़ा आपको पीछे चमक रहा होगा क्योंकि मैंने लाइट ऑन की हुई है। तो दोस्तों, आज करनी है इस कमरे की सफाई, और मौसम हो रहा बाहर ख़राब। अभी नाश्ता, शॉर्टकट नाश्ता, चाय वगैरह हो रही है, पी है मतलब। और क्योंकि खाने का भी कोई प्रोग्राम है नहीं, दिन में बनाऊंगी खाना जब थोड़ा काम से निपटूंगी। और कल एक दिन मिलता है संडे मेरे लिए, जो मैंने मंदिर के कामकाज में निकालना है। तो आज मैंने इस ओर की सफाई मैंने अभी कर दी है, और करूंगी इस ओर की, अब इस साइड की मैंने करनी है। तो अपने कमरे की मैंने पहले कर ली थी सुबह उठ के टाइम से, बीच के रूम की। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। तो एक बार चलती हूँ, मैं आपको ले जाती हूँ, मौसम का हाल दिखाती हूँ यहाँ पे। तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, मौसम कुछ इस प्रकार से है। सफाई मैंने कर ली है, अब तो अब मैं बिछाने जा रही हूँ पेपर। देखिए, पेपर बिछाने लग गया मैं। क्योंकि ऊपर नीचे कितनी बार करना पड़ा, तो मैंने इसलिए पेपर वहीं पर रख लिया। फटाफट से मैं इसे लेट में पेपर बिछाते रह रही हूँ। तो दोस्तों, यह है यहाँ का मौसम का अपडेट। लगातार बारिश हो रही है, कल दिन में नहीं थी, आज सुबह फिर सुबह से बारिश, झुमझुम झुमझुम रिमझिम करके बारिश है। किसान हो गए बहुत परेशान। और एक ओर से मैं अंदर की कर रही हूँ सफाई, एक ओर धुल रहे मेरे कपड़े, मशीन में डाले हैं मैंने कपड़े। देखिए, पूरा किचन बिखरा पड़ा है। किचन की कोई भी काम मेरा किचन का नहीं हो रहा, सिर्फ चाय और रस वगैरह नाश्ता में ये चला है। सारे बर्तन वैसे हैं, पूरा किचन बिखरा पड़ा है। तो अभी आज का दिन मेरे काफ़ी बिजी हूँ मैं, और सफाई में, और थक भी चुकी हूँ क्योंकि कल भी मैंने सफाई की थी, परसों भी सफाई की थी, और घर के अंदर के काम भी हो जाते हैं काफ़ी, खाना वाना वगैरह। दोस्तों, कैसे कितना गंदा हो रहा है अभी मेरा किचन, देखो। अभी मैं इसको इग्नोर करती हूँ क्योंकि जब तक मेरे रूम की सफाई नहीं होती, झाड़ू पोछा वगैरह नहीं लगता है, तब तक मैं किचन को आने वाली नहीं हूँ। तो अब मैं दूसरे ओर का सामान नीचे रखने लगी हूँ, अभी दूसरे साइड की स्लिप की, क्योंकि एक एक करके सामान नीचे रखना होता है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है कि फटने वाली या कोई टूटने वाली होती है। तो और सामान रख चुकी हूँ मैं नीचे, अब रखूँगी, कुछ ढूंढ रही हूँ मैं अभी। चलो, तो अब रखूँगी हेलमेट वगैरह भी रखे हैं, हेलमेट भी यहीं रखे हैं हम लोगों ने। तो अब मैं सब पेपर समेट कर इकट्ठा कर लूँगी। जाले वगैरह साफ करके पूरे धूल साफ कर लूंगी पूरे।
रैकों की, दोनों साइड के रैकों की सफाई कर दी और जो भी सामान था उसको साफ करके रख दिया। अब रहेगी मेरी खिड़कियाँ, मैं खिड़कियों को पोंछती हुई गीले कपड़े से साफ करूँगी, उनके ग्रिल वगैरह, फिर बेडशीट वगैरह उठाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पुरानी वाली बेडशीट उठा दी है क्योंकि उसमें काफ़ी धूल वूल चली गई थी, सफाई करने में चली जाती है। तो मैं बिछा रही हूँ यहाँ पे दूसरी बेडशीट, उसको मैं धो दूँगी क्योंकि एक दो दिन में फिर ये भी बदलने होंगे, हल्के फुल्के ऐसे ही डाल देती हूँ अभी इसको। फिर नए वाले बेडशीट अगर रोज़ धुले तो एकदम कलर फेड हो जाता है, तो इसलिए मैंने अभी पुरानी बेडशीट डाल दी है। ये डाल दी मैंने बेडशीट। तो फाइनली इस कमरे की सफाई मैंने कर दी है, अभी पोछा नहीं लगाया है, और क्योंकि ज़्यादा वैसे सामान तो कुछ है नहीं, हल्का फुल्का जो सामान है तो उसकी डस्ट और साफ़ करके और बेडशीट चेंज करके तो इस रूम की होगी पूरी सफाई। तो इस रूम की भी मैंने सुबह ही सफाई कर दी थी पूरी, ये देखिए चारों तरफ, और इसकी रह गई अब खिड़की साफ़ करनी है और बेडशीट चेंज इस कमरे की भी करती हूँ, फिर बाकी है मेरा झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो इस रूम को भी मैंने कर दिया पूरा साफ़, खिड़की वगैरह साफ़ करके मैंने बेडशीट इस कमरे के भी चेंज कर दिया है क्योंकि अभी मैंने बिछाई है पुरानी बेडशीट, फिर एक दो दिन में, दो चार दिन में फिर बदलनी होती है क्योंकि नवरात्रे लग रहे, तो फिर चेंज करूँगी मैं अभी पुराने, तो तब थोड़ा नहीं बिछाऊँगी। तो दोस्तों मैं पहुंच गई अपने बैठक रूम में, इसी वैसे सफाई तो मैंने पूरी कर ली थी जो आप मेरे पहले ब्लॉग में देखेंगे। आज मुझे इसकी सिर्फ खिड़कियों की सफाई करनी थी, तो खिड़कियाँ वगैरह ग्रिल पोछनी थी लोहे के, इसके मैंने ग्रिल में इसको साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से, बारीक ग्रिल लगे हुए हैं तो थोड़ा सफाई करने में दिक्कत होती है, तो जो भी है करना तो है सफाई, एक बहाने से सफाई होती है। तो अब कर रही हूँ मैं नीचे साइड की एक खिड़की की और सफाई, इसी की बेडरूम की। तो इसके सारे कुशन वगैरह मुझे उठाने पड़ते हैं, ये खिड़की कम खुलती है, खुलती नहीं है, गर्मी में खोलते हैं वैसे भी क्योंकि बाहर साइड को है खिड़की, इसके ग्रिल वगैरह बाहर को है, इसमें खाली सीट अंदर को जा लिया तो फटाफट से साफ हो जाएगी। तो अभी मैं रोशनी ऊपर के पहले वगैरह, क्योंकि ये मैंने थोड़ा नहीं पूछे थे काफ़ी लेट है चुकी थी मुझे, घर में हो रहा है आज काफ़ी काम, मैं लगी थी और काम में। तो आज है हमारी दुकान, सारी व्यापार संघ की मतलब जो भी हैं, आज है मार्केट बंद किसी कारण के वजह से, तो आज है मेरे हस्बैंड घर में, तो वो बना रहे हैं टेस्टी स्वादिष्ट पुलाव, तो अभी बताएंगे इसमें क्या क्या डाला है। तुमने देर कर दी, मैंने गोभी डाल दी, सब कुछ डाल दिया है, मसाला बन रहा है, ये गोभी डाल रखी है, सब कुछ डाल दिया, अभी न्यूट्रिले हैं तड़के में, क्या क्या लगा, ये चावल है, अभी ये करूँगा, हरी मिर्च मैंने फिलहाल डाली थी इतनी इतनी, है ना। अब क्या है, फिर तुम गाना गाओ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। तो बन रहे हैं आज पुलाव, क्योंकि काफी मजे हैं आज मेरे, क्योंकि खाना बना बना मिलेगा मुझे, और मैंने धोने ढेर सारे बर्तन और कपड़े, और चावल तो धो दो फिर, चावल भी तुम्हें धोना, मैंने धो दिया चावल। तो दोस्तों कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं, आधे कपड़े इस साइड को, आधे कपड़े उस साइड को डाल के, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश का, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और दिन भर आज लगभग बादल ही छाए हैं। और खाना खा के किचन वगैरह की भी सफाई मेरी लगभग हो ही चुकी है पूरी, ये देखिए किचन भी हो गया मेरा साफ।
तो सुबह का काम लगभग पूरा मेरा निपट चुका है और अब थोड़ी देर करते हैं आराम, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो तब तक बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों आज बना रहे हम शाम के समय करेले के पकौड़े, और करेले मैंने काट दिए बारीक से, इसमें मिला दिया बेसन और हल्दी, अजवाइन, हींग, लाल मिर्च वगैरह सब जो भी मसाले होते हैं वो सब मिला रखे हैं, क्योंकि करेले वैसे सब्जी में उतना ज़्यादा नहीं खाएगा, अगर हम पकौड़े बनाते हैं उसकी कड़वाहट थोड़ा कम हो जाती है। तो आज हम बना रहे हैं करेले के पकौड़े। और मैं बना रहा हूँ अचार, ये हरी मिर्ची का, ये मिलाया इसमें थोड़ा इसका गोल्डी मसाले का, अब इसमें थोड़ा सा मिर्च मिलाएंगे हम अचार मसाला। ये अचार मसाला डाल दिया। इसमें कड़वा तेल लगा के तो दोस्तों हमारी बन चुकी है, मतलब हमारी नहीं पक करेले की बन चुकी है पकौड़िया, और लास्ट बन रहे हैं और हम खाएंगे इनको सॉस के साथ, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। जैसे बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं हमारे करेले की सब्जी, तो आप अपने बच्चों को एक बार करेले के पकौड़ी बना के ही जरूर खिलाइए सॉस के साथ, कड़वा बहुत कम होता है ऐसे करेले का। तो दोस्तों हमारी पकौड़ियाँ बन के हो चुकी हैं तैयार, लास्ट वाली घाण लास्ट बार के बन चुके हैं, और दक्ष और अम्मा ने खा ले हैं, और मैं और टीएम है हम लोग खाएंगे अब पकौड़ियाँ बैठ के। तो दोस्तों आप भी आनंद लीजिए, कभी आप भी ट्राई, आप कैसे लेंगे आनंद, कभी आप भी ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाए तो आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा करेले के पकौड़ियाँ बना के, काफी अच्छी होती है। तो दोस्तों आप फिर ऐसे हल्का सा सॉस लगाइएगा उसमें, ऐसे खाइए गर्म हो गया बहुत मजा आया। तो दोस्तों आज के दिन का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, फिर एक बार और ऐसी तो आज के दिन का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जो नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।